में सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को सीआईएसएफ कर्मी कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा है। कंगना की तरफ से पुलिस में शिकायत दी गई है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कंगना के कुछ बयानात थे जिससे जो सीआईएसएफ कर्मी है वो नाराज थी और आज उसने कंगना को एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा है। कंगना रनौत दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी। सुरक्षा जांच के बाद वो जो बोर्डिंग के लिए जा रही थी तो एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ यूनिट के एलसीटी कुलविंदर कौर ने कंगना को थप्पड़ मारा। उसके बाद कंगना रनौत के साथ यात्रा कर रहे मयंक मधुर ने कुलविंदर कौर को थप्पड़ मारने की कोशिश की। चंडीगढ़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आरोपी लेडी कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया है। मामले की जाँच के लिए सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। कुलविंदर कौर नाम बताया जा रहा है उस सीएसएफ कर्मी की, और वजह जो बताया जा रहा है, कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, विवादों में भी रहती हैं। तो उनके किसान आंदोलन को लेकर कुछ बयानात थे जिसको लेकर नाराजगी थी। विजय राणा इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय बताइए, क्या अपडेट आपके पास इस मामले में? अभी हिमाचल से अब वो चंडीगढ़ पहुंची थी और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उन्हें दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी, और वो जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची तो जहां पर सिक्योरिटी चेक इन हो रहा था तो वहां पर एक महिला सिपाही मौजूद थी सीएसएफ की, जिसका नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। और किसी बात पर अचानक उस महिला जो सिपाही थी उसने थप्पड़ मारा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को, और उसके बाद हालांकि आसपास जो लोग थे बीच बचाव में भी आए, और एक शख्स वहां पर जो मौजूद था उसने जो सीएसएफ की जो सिपाही थी, महिला सिपाही थी, उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, और बाकी लोगों ने बाद में बीच बचाव किया। और उसके बाद कंगना रनौत ने इसकी शिकायत जो है वो सीएसएफ के जो आला अधिकारी थे वहां भी की, और पुलिस में भी इस मामले की जो शिकायत है वो दर्ज करवाई है। और इतनी जानकारी, महिला जो सिपाही थी कुलविंदर कौर, वो किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से जो बयानबाजी कंगना की ओर से की गई थी या किसी बयान से उनके नाराज़ थी, आहत थी, या कंगना ने किसानों के समर्थन में कुछ काम नहीं किया या कोई बयान नहीं दिया, इस तरह की बातें जो हैं वो सूत्रों के हवाले सामने आ रही हैं। हालांकि असली जानकारी फिलहाल जब आधिकारिक कोई बयान कंगना की ओर से खुद आएगा या सीएसएफ की ओर से आएगा तभी जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल जो सीएसएफ की टीम है, जो लोग हैं, वो उस महिला सिपाही से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, थप्पड़ क्यों मारा और वजह क्या थी इसके पीछे, वो इससे बातचीत फिलहाल की जा रही है। लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है कि महिला सिपाही ने कंगना रनौत को थप्पड़ जरूर मारा है। हालांकि कंगना रनौत जो है वो जब दिल्ली पहुंचेंगी तो हो सकता है वहां जाकर कोई आधिकारिक बयान वो जारी कर सकती हैं कि आखिर क्या कुछ कोई बातचीत दोनों के बीच में आपस में हुई थी या महिला सिपाही ने कुछ उनसे कहा था पहले। ये तमाम बातें हैं जो बाद में सामने जरूर आएंगी। इसके अलावा जो सीएसएफ की टीम है एयरपोर्ट पर, वो भी जो सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि और ज़्यादा जानकारी मिल पाए कि महिला सिपाही ने ऐसा कदम क्यों उठाया, कि क्या रीज़न थे, क्या वजह थी इसके पीछे। लेकिन फिलहाल यही जानकारी जो मिली है कि महिला सिपाही ने कंगना रनौत पर थप्पड़ मारा, और कई तरह की अलग अलग वजहें सामने आ रही हैं। फिलहाल उस महिला सिपाही की शिकायत भी कंगना रनौत की ओर से कर दी गई है और सीएसएफ की ओर से मामले की जाँच अब की जा रही है। जी, और इस मामले में एक तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, कंगना को संभवतः अभी उनका वाई प्लस सिक्योरिटी कवर में है कंगना रनौत, क्योंकि जब उनको धमकियां मिली थी उसके बाद वो अभी शायद कंटिन्यू ही कर रहा है। ये एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी है, क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनके बीच से अगर इस तरीके से घटनाएँ हो रही हैं तो ये बिल्कुल सीएसएफ के लिए भी चिंता का विषय है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरीके के कई लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग या जो चर्चित लोग होते हैं जो इस तरीके बयान देते हैं, और अगर एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये चिंता का विषय ज़रूर है। बिल्कुल चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि कई ऐसे थ्रेट जो हैं ऐसे लोगों को आते रहते हैं, अलग अलग लोगों के धमकियां भी ऐसे लोगों को मिलती रहती है, चर्चित चेहरे हैं या राजनीति में हैं या बॉलीवुड में हैं, तो उन थ्रेट्स की वजह से ही, उन धमकियों की वजह से ही सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है, ताकि अगर कोई
असामाजिक तत्व कोई किस तरह की कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसे रोका जा सके और जो सुरक्षाकर्मी है उसे रोक सके। लेकिन जब सुरक्षाकर्मी खुद कोई ऐसा कदम उठा देता है, खासतौर पर एयरपोर्ट जैसी जगह पर जहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और तमाम पुलिस के और सीएसएफ के आर्मी के जवान वहां पर तैनात रहते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, और अगर सुरक्षाकर्मी की ओर से ऐसा बर्ताव किया जाएगा तो ये बेहद चिंता का विषय जरूर है। सुरक्षा जो हमारी एजेंसियां हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है कि अगर उनके कर्मचारी जिनको लोगों की सुरक्षा में लगाया गया है अगर उनकी ओर से ऐसा बर्ताव किया जाएगा तो जाहिर सी बात है बेहद चिंता का विषय है और इसको लेकर काम करने की ज़रूरत है। और जो आज की घटना हुई है उस घटना से भी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो सीख लेंगी और जो बाकी जो कर्मचारी लगे हुए हैं सुरक्षा में, चाहे वो एयरपोर्ट जैसी जगहों पर हों या वो बाहर किसी अलग अलग अस्थियों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो ज़रूर एक रिव्यू करने की जरूरत पड़ सकती है सुरक्षा एजेंसियों को, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। क्योंकि आज ऐसी घटना हुई है तो जाहिर तौर पर इससे बड़ी घटना भी हो सकती है, तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि जो आज ही घटना थी फिलहाल वो इतनी बड़ी घटना नहीं बन पाई कि कोई बहुत ज़्यादा घटना बन पाई, लेकिन ज़रूर हाथ ज़रूर उठाए सुरक्षाकर्मी ने एक देश के नागरिक पर, चाहे वो कोई हस्ती हो चाहे वो कोई आम लोग हों। सुरक्षाकर्मी बेशक लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, लोग सुरक्षा एजेंसियों को अब ज़रूर एक रिव्यू करने की जरूर पड़ेगी। और सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जिस महिला सिपाही का नाम इस मामले में आया है उस महिला सिपाही के दिमाग में क्या चल रहा था, किन बातों को लेकर वो नाराज़ थी आहत थी जो उसने ऐसा कदम उठाया, और उसके बाद सुरक्षा जो एजेंसियाँ हैं हमारी जो आला अधिकारी हैं वो अगला इस बारे में सोच सकते हैं, अगला फैसला ले सकते हैं कि बाकी सुरक्षाकर्मी जो तैनात हैं अलग अलग जगहों पर वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और लोगों की सुरक्षा में गंभीरता बरतें, उनके लिए क्या कदम आगे उठाए जाएँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के इस बातचीत के लिए।